मगर चूंकि यहाँ पे WWF पाकिस्तान के गार्ड्स, इसके अलावा सिंध वाइल्ड लाइफ जो कि यहाँ पे काम कर रहा है, वो भी उनके गार्ड्स यहाँ पे काम करते हैं और ऐसे लोगों को जो इलीगल इस तरह की एक्टिविटी करते हैं उन्हें रोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप इस तरह से ना करें, चूँकि ये इंडेंजर स्पीशी है। अगर आज हमने इसे नहीं बचाया तो आज से 200 मिलियन साल पहले जैसे कि डायनासोर थे, ये उन्हीं की फैमिली का हिस्सा है, रेप्टाइल फैमिली का, अगर वो नहीं रहे तो फिर ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इनको बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है जो यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं, और यहाँ पे जब लोग आते हैं अपने मुख्तलिफ पिकनिक के लिए उन्हें भी हम ये बताते हैं कि वो यहाँ पे अपने मुख्तलिफ गार्बेज ना फेंकें, ताकि गार्बेज फेंकने से ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस होती है, कोई कांच का टुकड़ा, कोई लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, तो मादा कछुआ जो है वहाँ पर अकेले नहीं करती और बल्कि वो एरिया छोड़ के आगे चली जाती है। And when females wants to lay egg, they come out at from the water and lay eggs at night. And for egg laying purpose, it has to make a very small, shallow, slender egg pit in which it lays about 100 eggs at a time. After egg laying and covering the eggs and the pit, it goes back to the sea without taking care of eggs. Now, what happens? Sometimes these eggs, they are eaten by dogs, or sometimes they are washed off by the waves, or sometimes poachers come and they take them out. So in this way they cannot breed, they cannot hatch in baby turtles, and in this way the future generation was destroyed. So what we do, we take out the eggs from there on the open beach and we transplant them at the same depth at which they are laid by the mother. लेवल मेरी है वो Ay, coche, mire, 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 mire